नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 65 लाख पेंशन भोगियों से जुड़ी बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। यानी कि ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। किन किन पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर मिलेगी और कितनी मिलेगी, आज के इस वीडियो में ये इसके बारे में यानी कि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि पेंशन धारकों की कितनी पेंशन बढ़ी है और किन को पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो आइए इस वीडियो में यह जानकारी लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर आप फर्स्ट बार हैं तो इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, पास ही बेल आइकन का प्रेस बटन देखेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि ऐसे पेंशन रिलेटेड और भी नई नई अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। ईपीएस पेंशन एक बड़ा ही मुद्दा बनता जा रहा है। कोविड-19 के दिनों जिन भी कर्मचारियों ने आजीवन काम किया है उन्हें भी केवल एक न्यूनतम 1,000 रुपये की मामूली राशि दी जाती है। इस राशि को लेकर काफी समय से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारक मांग कर रहे हैं। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से प्रतिमाह बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर यानी कि आपकी ईपीएफओ की तरफ से आदेश जारी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो इस तरह ईपीएस 95 पेंशन आपके लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है। अब आपको पेंशन मिलेगी 9,000 रुपये 1,000 रुपये के बजाय।